ये कहता है टू मासेस हैं M1 एंड M2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 3 एंड 5। देखो अगर दो मास है हम लोग के पास, ऐसा क्वेश्चन काफी बार नीट में आया है, एक मास ये है और एक मास ये है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और M1 की जो वेलोसिटी है वो +3 है। चलो इसको मान लेता हूं मैं M1 और इसकी वेलोसिटी +3 मीटर पर सेकेंड है, और जो M2 है M2 इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों M2। क्लियर है? अगर ये दोनों इस तरह से मूव करें तो इनमें इलास्टिकली कोलिजन है, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होता है? अब आप अगर मास इक्वल है तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि इस टाइप के कोलिजन में मास इक्वल होता है तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब M1 को M2 का वेलोसिटी मिल जाएगा और M2 को M1, मतलब कोलिजन के बाद जो है इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी ये इधर जाएगा वो उसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी बाय द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा कई बार आया है, अगर आपको ऐसा ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 और +3 M1 M2 की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब डी ऑप्शन सही है। या नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटी M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 U1 प्लस 2 टाइम्स M1 M2 U2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अगर मास इक्वल है तो ये फ्रैक्शन जीरो हो गया और ये 2m और 2m खत्म हो गया, मतलब V1 इज इक्वल टू U2, इसी तरह से V2 इज इक्वल टू U1 आ जाता मैग्नीट्यूड में। वेलोसिटी क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है। ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है।